जी हाँ, जिसकी आशंका थी हुआ वही है, जिसका डर था वो आखिरकार हो गया। ईरान और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। ईरान ने इसराइल पर कर दिया अटैक, आधी रात को ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। अब इसराइल क्या करने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है टीवी 9 भारतवर्ष। जंग के इस नए मैदान से एक एक अपडेट, एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी। इसके अलावा अंजलि भी मेरे साथ मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ईरान के हमले का एक बिल्कुल नया वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है, आईडीएफ के कई ठिकानों को भी बनाया गया है निशाना और किए गए हैं अटैक्स। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। ईरान इसराइल में तनाव सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसराइल पर इन ताबड़तोड़ अटैक्स के बाद इसराइल की तरफ से इसका किस अंदाज में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को जो हमला दमिश्क में हुआ, ईरानी दूतावास को जिस तरह से निशाना बनाया गया, तब से यह कहा जा रहा था कि इसका बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया जा सकता है। और यह देखिए जो ताजा वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आईडीएफ के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मनीष जरा इधर देखिए, यहां पर तो ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला जारी है, ऐसा नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, 200 से अधिक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, उसमें से ज्यादातर को तो हालांकि रोकने में कामयाबी मिली आयरन डोम के थ्रू, आयरन डोम के थ्रू, दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका एरो है उसके थ्रू। इसके अलावा जो अमेरिका के जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात है उसके थ्रू, और इसके अलावा अमेरिका और इसराइल दोनों के फाइटर जेट आसमान में उड़ते रहे और वहां से भी उन्होंने बहुत सारे को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इन सब के बावजूद 20% 15% टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहे। एक बात देखिए, ईरान का पूरा टारगेट था केवल और केवल इसराइल के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना, उन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं किया था। और इस वजह से जब वो मिसाइल जो टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहे, उन्होंने इजरायली बेस को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो रमोना एयरबेस हो, नेगेव एयरबेस हो, डमोना का जो है सो न्यूक्लियर प्लांट हो, इन सब को नुकसान पहुंचाया। अब इसकी कीमत कितनी है, ये कितना नुकसान हुआ। एक और ये भी बात सुमित निकलकर सामने आ रही है कि यूएन चार्टर के हिसाब से बाकायदा 13 दिनों का इंतजार किया गया और उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया। यानी 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया जाता है, पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी जाती है इजरायली हमले में, ये उसका बदला है। बिल्कुल, 1 अप्रैल को जो हुआ समीर, उसका ये बदला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये दर्शाता, यूएस एजेंसीज लगातार इस बात को दर्शा रही है कि 7 अक्टूबर के बाद ये दूसरा बड़ा फेलियर है इसराइल का। इसराइल की एजेंसीज लगातार अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ईरान ऐसा कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, लेकिन उसने किया 13 और इतने कैलकुलेटेड वे में, इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि इसराइल के कई जगहों पर वो मिसाइल जाकर गिरी और मल्टीपल अटैक्स किए गए, चाहे वो आप जॉर्डन की तरफ से देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इसराइल से, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इसराइल जल्द बदला लेगा। देखिए जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर हम कर रहे थे, वो खबर अब सामने आ रही है, इजरायल जल्द बदला लेगा इस हमले का। इसकी तैयारी अब सीधे तौर पर नजर आ रही है। इजरायल पर इस ताबड़तोड़ अटैक के बाद लगातार ये डर, ये आशंका बरकरार थी कि अब इजरायल की तरफ से इसका जोरदार जबरदस्त बदला लिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इजरायल जल्द ही इन हमलों का बदला लेगा। मनीष, इसके कितने आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अमेरिका का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है इसराइल को फिलहाल रोकने की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यह संभव है कि इसराइल फौरन ईरान से इन हमलों का बदला ले। देखिए, सुनने सुनाने और रोकने का तो समय चले गया, अब बदले लेने की बात है, और वो बदला ईरान भी लिया और अब इसराइल भी लेगा, और इसराइल को लेना पड़ेगा वो, इसलिए क्योंकि इसराइल को यह पता है कि इस वक्त ईरान हमला करने के बाद ईरान की जो इमेज बनी है वो मिडिल ईस्ट में क्या बनी है। ईरान ने दरअसल एक इतिहास रच दिया है, ईरान ने बताया है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती के बाद वो खुद भी इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसराइल के सरजमी पर जाकर टारगेट कर सकता है, और इसीलिए इसराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, इसराइल को अपने अस्तित्व के लिए बदला लेना होगा। और यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू का रोल अहम हो जाता है। नेतन्याहू जानते हैं
अगर वो बदला नहीं लेंगे तो गद्दी से उतरेंगे, अगर वो बदला नहीं लेंगे तो उनका खात्मा हो जाएगा। इसलिए नेतन्याहू और पूरी वॉर कैबिनेट इस युद्ध को और अधिक आगे बढ़ाएगी, और जैसे ही युद्ध आगे बढ़ेगा तो ये एक का बदला दूसरा, दूसरा का बदला तीसरा, ये चलता रहेगा। यानी इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, फिर ईरान की बदले की कार्रवाई होगी और ये जंग इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। जी हाँ, इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान इजराइल जंग पर भारत ने दिया है बयान, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खामनेई ने 5 घंटे पहले धमकी दी है, ये आपको बता दे, और बड़ी जानकारी मिल रही खामनेई की धमकी के बाद ईरान का हमला। देखिए खामनेई ने कहा है कि चेतावनी भी जारी की गई, 5 घंटे पहले ये धमकी दी गई है, तो इसकी क्या मायने है सुमित? खामनेई की धमकी के बाद ईरान हमला करता है, क्या ये सोची समझी पूरी रणनीति थी जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद से लगातार सारे प्लांट्स के ऊपर ईरान ने काम कर लिया था। ईरान ने ये नहीं सोचा कि सिर्फ अपने सरजमीन से अटैक किया जाए बल्कि मल्टीपल अटैक से जाए, हिजबुल्ला को मिसाइल दी गई, इसके अलावा आप देखिए कि सीरिया की तरफ से अटैक किया गया, इराक की तरफ से अटैक किया गया, और ये मल्टीपल अटैक इसलिए किए गए ताकि जो ईरान को टारगेट अचीव करने हैं उसके लिए जो आयरन डोम है या जो इसराइल के डिफेंस सिस्टम से उनको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया जाए और जो वैक्यूम बने उसमें वो सटीक मिसाइलें अपने टारगेट को अचीव कर लें। और ये ईरान जानता था कि जितनी मिसाइलें वो ज्यादा से ज्यादा दागेगा, जितने ड्रोन्स वो निकालेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला अटैक था लेकिन इसके बाद मल्टीपल सरप्राइज अटैक ईरान करता रहेगा। ईरान की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान इसराइल को पहुंचा सके और एक मैसेज पूरे रीजन को दे सके कि देखिए ईरान जब बदला लेने पर आता है तो वो कितना घातक होता है। और ईरान लगातार इस बात को कह सकते हैं कि कड़वा घूंट पी रहा था लगातार पिछले 2 सालों से, चाहे वो जनरल सुलेमानी की बात हो, चाहे वो और अटैक्स हो, या फिर अभी जो 1 अप्रैल को अटैक हुआ। लेकिन ईरान ने जब अटैक किया, जब अपना बदला लिया तो कितने बड़े स्केल पे लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एवीएम पी के श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीवास्तव जी, क्या आप ये बात मानेंगे कि ईरान पर भी दरअसल अंदरूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि एक एक करके उसके कई कमांडर्स को ढेर किया गया, हमला किया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद फिर दमिश्क में दूतावास पर हमला, ईरान के पास क्या और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था कि अब इसका बदला लेना ही लेना है, और कोई रास्ता ही नहीं बचा? ये समीर आपने बिल्कुल सही बात की, ये एंगल बिल्कुल सही है कि ईरान के लीडरशिप के पास अपनी जनता को बताने के लिए रिस्पांस देना जरूरी था और उनको ये भी पता था रिस्पांस देने की टाइमिंग उनको ठीक करनी पड़ेगी, ऐसी जो कि एक रिस्पांस इफेक्टिव हो और कुछ मैसेज दे सके इफेक्टिवली। और आपने देखा कि उसका असर पड़ा है, यूएस ने रिस्ट्रेन करने की कोशिश की है इसराइल को कि आप जो अपना रिस्पांस दे रिस्ट्रेंड है। लेकिन इस वक्त अगर आप आकलन लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि इसराइल का जो रिस्पांस होगा, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस वॉर कैबिनेट ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और रिस्पांस देने की जिम्मेदारी कमांडर्स को दे दी है, तो अब जो रिस्पांस होगा, क्योंकि इसराइल के पास ऐसे वेपन्स हैं, अगर आप इसमें यूएस की इंटेलिजेंस को और स्पेस इंटेलिजेंस को ऐड कर दें तो उनके पास ऐसे वेपन्स हैं, प्रिसाइज वेपन्स हैं। ठीक है, यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के बारे में इसराइल के अनुरोध पर आपात बैठक की बात कही गई है। इसराइल अनुरोध कर रहा है कि यूएन को तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए। यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक क्या अब मुमकिन है? जो जानकारी सामने आ रही है मनीष, क्या इसकी टाइमिंग तय हो गई है? सोमवार के बारे में खबर आ रही है कि मंडे को यह इमरजेंसी बैठक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो अचानक इसराइल को यूएन की याद आई है। बीते 6 महीने में जब इसराइल गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहे थे, जब हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे, जब यूएन की तरफ से लगातार इसराइल को युद्ध विराम की बात कही जा रही थी, तब हर प्रस्ताव का इसराइल ने खारिज किया था, तब यूएनएससी के हर कदम का विरोध किया था। लेकिन जब इसराइल पर हमला हुआ तो उसी यूएन की याद अब इसराइल को आई है। अब देखिए यहीं से दरअसल इस युद्ध का स्केल बढ़ने वाला है। यूएनएससी की जो सोमवार को बैठक होगी उसमें होगा क्या? उसमें ईरान के हमले के खिलाफ जब कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो रूस और चीन उस समय ईरान के समर्थन में आएंगे। यहीं से फिर दुनिया 2 भागों में और बटेगी जो लगातार बढ़ती जा रही है। असल बात यह है, लेकिन इस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या रहने वाला है? आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करे यूएन, ये इजराइल डिमांड कर रहा है, क्या इस पर बात हो सकती है? देखिए इजराइल की मांग यह है कि आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित करे, ईरान को आप आतंकी संगठन घोषित करें, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान की दलील क्या है?
ईरान की दलील यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत हमने दरअसल अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार को आजमाया है। उनका कहना यह है कि हमारे एम्बेसी पर अटैक हुआ था, हमने 13 दिन तक इंतजार किया, यूएनएससी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद हमने हमले किए, यह हमारा अधिकार है और यह संयुक्त राष्ट्र का नियम भी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि भारत ने इस युद्ध के बीच क्या बयान दिया है। ईरान इसराइल जंग पर आया है भारत का बयान, भारत की दोनों पक्षों से शांति की अपील। तो देखिए भारत ईरान और इसराइल दोनों ही पक्षों से शांति की अपील कर रहा है। भारत का बड़ा बयान आ गया है इस युद्ध के बीच, और इससे पहले भी इसराइल और गाजा में जो युद्ध चल रही थी उस दौरान भी भारत ने कहा था कि युद्ध खत्म होना चाहिए। और देखिए एक और बड़ा बयान आ गया है भारत का, इसराइल और ईरान दोनों को कहा गया है कि शांति बरतनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बाइडेन भी नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि अभी संयम लेने का काम है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है, ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो वहीं अब बड़ी बात इसराइल की ओर से भी कह दी गई है, वो और कैबिनेट ने रणनीति तैयार कर ली है हमले के लिए। सिवाद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाद सर, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, चाहे हमने देखा कि गाजा में जो युद्ध चल रही है उसमें भी भारत ने कहा था कि शांति बरतना चाहिए, और साथ ही साथ यूक्रेन को भी समझाया गया था, रूस को भी समझाया गया था कि युद्ध रुकना चाहिए। एक बार फिर से इस युद्ध के हालात के बीच भारत की ओर से ये बयान आया है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, भारत चाहता है कि शांति आए और कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट दिखाया जाए दोनों की तरफ से, क्योंकि ईरान भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और इजराइल भी भारत का अच्छा दोस्त है। आपने बहुत ठीक बोला, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी तो भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के एससीओ की जो मीटिंग के साइडलाइन में बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, शांति डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति लानी चाहिए। और इसी प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को भी समझाने की कोशिश की थी कि बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। और जब इजराइल हमास की लड़ाई हो रही थी तब भी भारत ने एक प्रकार से ये मैसेज किया था कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत के दो पॉइंट थे। भारत ने कहा था कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, हम टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, और मगर जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ इसराइल पे वो एक टेररिस्ट एक्शन था। तो सच्चाई है कि भारत हरदम पीस की तरफ खड़ा हुआ है, भारत नहीं चाहता ये लड़ाई के तरीके से कोई समाधान निकले, डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत हो, मगर क्या ये होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसराइल अब एक पलट वार करेगा और इसराइल का जो वार है वो घातक होगा। ईरान के वार के अंदर सरप्राइज फैक्टर नहीं था, इसलिए आयरन डोम या आपका जो टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम अमेरिका का पेट्रोल मिसाइल सिस्टम से 80-90% मिसाइलें जो हैं उनको बर्बाद कर दिया गया। मगर जब इसराइल का हमला होगा ईरान पे तो वो बहुत घातक होगा, फिर ईरान क्या करेगा वही ये दिख रहा था। इसीलिए जो बाइडन है वो बताने की कोशिश करें नेतन्याहू को कि आप रिस्ट्रेंट का काम लें, क्योंकि अगर उसका घातक बिल्कुल सही बात है, अमेरिका की तरफ से जो मैसेज जो संदेश दिया जा रहा है इसराइल को वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी थोड़ा रुको, लेकिन क्या इसराइल रुकेगा ये बड़ा सवाल है। और इस बीच देखिए कुछ बेहद खास तस्वीरें हमारे पास आ रही है, वो आपके सामने रखना चाहेंगे। अलक्सा मस्जिद के ऊपर रॉकेट नजर आए, मस्जिद के ऊपर दिखे आग के गोले, ईरान ने दागी कई मिसाइलें एक के बाद एक, जिस तरह से कई मिसाइलें दागी गई हैं इसराइल को निशाना बनाते हुए इसराइल पर बड़ा अटैक किया गया है। मस्जिद के ऊपर, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी आग के शोले नजर आए। जी, और एक और बड़ी खबर है, अभी अभी लेबनान पर इसराइल का हुआ है बड़ा हमला, बहुत बड़ी खबर है, लेबनान पर इसराइल ने कई मिसाइलों से हमला किया है। देखिए लेबनान पर इसराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अभी अभी लेबनान पर इसराइल ने किया है बड़ा अटैक। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लेबनान की ओर से कैसे मिसाइल हमला किया गया है, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है सामने, ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं, अभी अभी लेबनान पर इसराइल का बड़ा हमला, लेबनान पर इसराइल ने कई मिसाइल दागी है। बिल्कुल, और ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, लेबनान पर हमला हुआ है इसराइल का। सुमित, मैं चाहूंगा आपके ठीक पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेबनान यानी जहां से हिजबुल्ला लगातार इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा था उस पर निशाना।
देखिए बिल्कुल, देखिए अब इसराइल की रणनीति सबसे पहले ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है जहां से लगातार हिजबुल्ला या प्रॉक्सीज ईरान के अटैक कर रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसी वजह से इन टारगेट्स को अचीव किया। पिछले कल रात से अगर आप देखें तो इन्हीं जगहों से लगातार मिसाइल दागने की कोशिश की गई, ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन अब ये इसराइल मान चुका है कि सबसे पहले उनको इनको न्यूट्रलाइज करना है और उसी के बाद वो अपनी रणनीति लेकर आके ईरान की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, ये ट्रिपल एच जो है ये इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हमास, हूती, हिजबुल्ला, हमास के साथ लड़ाई चल रही है, हिजबुल्ला लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है, हूती लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? मनीष, देखिए ये सब तो ईरान के प्रॉक्सी थे ही और ये ईरान को मदद दे रहा है। ईरान ने जब हमला किया ठीक उसी समय हिजबुल्ला की तरफ से हमला हुआ, यमन में हूती ने कहा कि हमारे 400,000 फाइटर तैयार है आपको मदद करने के लिए और वो उन्होंने भी हवाई हमले किए और साथ में हमास की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं यहां से दरअसल हिजबुल्ला के पोस्ट से जो लगातार अटैक किए जा रहे थे नॉर्दर्न इसराइल में उनको खत्म करने के लिए इसराइल की तरफ से हमला किया गया। तो आप सोचिए इसराइल को हर तरफ से लड़ना है, उनको उन तीनों एच से भी लड़ना है और ईरान से भी लड़ना है, सीरिया से भी लड़ना है, क्योंकि अभी अभी खबरें यह भी आ रही है कि गोलन हाइट्स पे जो है सो धमाके हुए, तो ऐसे में गोलन हाइट्स पर भी धमाके हुए हैं। मनीष हमें यह जानकारी दे रहे हैं। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, इसराइल पर हमले के समर्थन में तेहरान में मार्च निकाला गया है, तेहरान की सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में लोग, सैकड़ों लोगों ने बाइक से रैली निकाली है। ये दरअसल सपोर्ट है अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई का, क्योंकि लगातार ईरान पर ये दबाव ये प्रेशर बनता नजर आ रहा था कि ईरान बड़ा बदला ले इसराइल की हरकतों पर ताकि लगाम लगाई जा सके, और अब वो हमला हुआ है और उसके बाद ईरान में लोगों का सपोर्ट अपनी सरकार के लिए अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई के लिए नजर आ रहा है सड़कों पर। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नजर बनाए हुए और युद्ध की रणनीति भी तैयार की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले का अलर्ट, किबुत्स में मिसाइल हमले का अलर्ट किया गया है। देखिए किबुत्स में कभी भी मिसाइल हमला हो सकता है और इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। किबुत्स में भी मिसाइल हमला हो सकता है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मनीष, एक के बाद एक अब कई शहरों में अलर्ट इसी तरीके से जारी किए जा रहे हैं कि कहीं भी हमला हो सकता है, मिसाइलों की बड़ी खेप से हमले किए जा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसमें से बहुत सारे ड्रोन अभी भी हवा में मौजूद हैं और वो इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग इलाकों से इसराइल की तरफ उन्हें भेजे गए थे, और वैसी स्थिति में बहुत सी संभावना ऐसी भी है कि जो साउथ इसराइल का हिस्सा है यानी कि उन तमाम किबुत्स में जहां पर पहले हमास ने हमले किए थे वहां पर उन ड्रोन के जरिए या मिसाइल के जरिए अटैक किया जा सके, और इसीलिए वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हमले रुके नहीं है, अभी भी सारे मिसाइल खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी ड्रोन मौजूद है जो इसराइल में टारगेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनको खत्म करने की कोशिश इजरायली एयरफोर्स और इसराइल के डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसराइल के लिए, इसराइल की सरजमी के लिए खतरा बना हुआ है। खबर आ रही कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों का जवाब दिया, उनको नाकाम करने की पूरी कोशिश की गई। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, ईरानी मिसाइल को रोकने में इजराइल की मदद की गई है अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो ईरान की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई इसके बाद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आया। एक सर अमेरिका बोल तो रहा है कि थोड़ा कंट्रोल में रहिए, लेकिन अमेरिका की मजबूरी भी आपको साफ नजर आ रही है कि उसको इसराइल के साथ खड़ा होना होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका के पास काबिलियत और क्षमता है इसराइल को हेल्प करने की, और इसराइल को मालूम है क्योंकि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो अकेला ईरान से जो भी मिसाइलें ड्रोन का अटैक हो रहा है संभाल नहीं सकता, उसके लिए उन्होंने पेट्रोल मिसाइल सिस्टम और थार्ड को भी लगा रखा है, और इसी प्रकार से उसने अपनी जो यूएसएस इशन हॉवर को रेड सी के अंदर लगाया हुआ है, 2 फ्रिगेट और 4 जो है बाकी वॉरशिप है। मगर यह भी सच्चाई है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई का दायरा इतना बढ़े कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए, तो वो इसराइल को एक प्रकार से संयम बरतने की बात करेगा, मगर इसराइल ने पलटवार तो करना है। मुझे लगता है कि जो इसराइल का पलटवार होगा वो बहुत घातक होगा, क्योंकि ईरान ठीक है सिवाज साहब, देखिए इस बीच ईरानी हमले पर जो बाइडेन का बयान सामने आ गया है, ईरानी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया है अब आपको ये बताते हैं। ईरानी हमले पर जो बाइडेन का पहला बयान,
क्या है वो अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने ईरान के हमले की निंदा करता हूं, ये कहा गया है जो बाइडेन की तरफ से। हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अमेरिका के रुख को, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इसराइल के साथ है, लेकिन जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वो बदली हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि इसराइल फौरन ईरान से इन हमलों का बदला ले, ऐसे में जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या रोल देखते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल है, और ये सवाल जो है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है ये तो रहेगा ही, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा ये उसकी एक तरीके से अपनी बाध्यता ही नहीं है बल्कि उसकी एक स्ट्रेटजिक मूव है, दे कैन नॉट लीव इसराइल अलोन। अब आप बात जो कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि आप जो भी करिए संयम के साथ करिए, होश में करिए, जोश में मत करिए, क्योंकि अभी तक जो ईरान का हमला हुआ है उसमें जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रेटजी है वो जोश की ज्यादा है, होश की कम है। अगर आप एक तरीके से ऐसे सोचने की कोशिश करिए, ईरान ही सप्लायर्स था वेपन्स का, मिसाइल्स का, और जितने उनके पास गोला बारूद थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुमित चौधरी जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है हमारे साथ ही मौजूद है इस वक्त। सुमित, इस वक्त अमेरिका का रोल जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका किस तरह से इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका की तरफ से कहा गया वो तो इसराइल ने माना नहीं। देखिए समीर, इस समय जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है वो दो पॉइंट्स पे चल रही है। सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस लैप्स था इसराइल और अमेरिका के बीच में, उन गैप्स को भरना, उसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करना, क्योंकि सीरिया में जो अटैक हुआ उसने अमेरिका को भी कहीं ना कहीं एक धक्का पहुंचाया था, और अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज है नेतन्याहू से और खासतौर पर इसराइल की एजेंसी से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार अपने अलायंस को इसके साथ में कॉन्फिडेंस में लेकर चलना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अब से कुछ क्षणों में हम आपको एक और कवरेज लेकर जाएंगे, वो है बीजेपी का मैनिफेस्टो। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जो कल रात में 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान ने किया है, बड़ी खबर इस वक्त इजरायली वॉर कैबिनेट से बड़ी खबर, 24 घंटे में ईरान पर इजराइल का हमला, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले का प्लान है, 24 घंटे में इजराइल प्लान को अंजाम देगा, यानी कि ये अब मामला बढ़ेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 24 घंटे के अंदर इसराइल काउंटर अटैक करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर को आपके सामने डिटेल के साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी अभी आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड ईरान का अटैक, पूरा आयरन डोम जो है वो एक्टिव था इसराइल के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर पायलट जो फाइटर प्लेन्स थे वो एक्टिव थे। ये देखिए, ईरान के हमलों पर भड़का अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के सभी ड्रोन मार गिराए, जो बाइडेन ने कहा अमेरिका ने इसराइल की मदद की, ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया, ड्रोन हमलों का यूएस इसराइल ने मिलकर जवाब दिया। लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा कि वो और बाकी सभी लोग मिलकर एक डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स, यूनाइटेड डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स के बारे में सोच रहे हैं ईरान ने जो अटैक किया उसको लेकर। अफसोस इस बात का है कि जब इसराइल ने अटैक किया था तब इन्होंने कोई डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स के बारे में नहीं सोचा था, कहा कि कोऑर्डिनेटेड यूनाइटेड डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स इज नॉट ऑन द टेबल राइट नाउ, यानी कि अमेरिका मिलिट्री रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं सीधे चलूंगा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो कि इसराइल से लौटे हैं कुछ महीने पहले, दोनों ने इसराइल वॉर को अच्छे से डिटेल में जाकर ग्राउंड से कवर किया है, मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्विक रिएक्शन दोनों से, मनीष इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, कितने घंटे, क्या टाइमर ऑन हो चुका है इसराइल के काउंटर अटैक का? बिल्कुल, देखिए इजरायली सरकार के एक उच्च स्तर के व्यक्ति ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारा जवाब अभूतपूर्व होगा, और माना जा रहा है कि ईरान में जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट है उसको टारगेट कर सकता है अब इजरायल, क्योंकि ईरान के हमले में इजरायल के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया, और इसीलिए अब इजरायल की तरफ से जो कार्रवाई होगी उसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लांट
और दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगे। जाहिर है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अब अगर इजराइल की तरफ से बदले की कार्रवाई की गई तो हमारा भी फिर और बड़ा हमला होगा, तो एक का बदला दूसरा लेगा, दूसरे का बदला फिर तीसरा लेगा। इस तरह से लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है। सुमित, वेरी वेरी क्विक रिस्पांस, मुझे एक बात बताइए, अभी के हालात क्या इंडिकेट कर रहे हैं, खासकर ये देखते हुए कि क्या मैं ये समझूं कि मिडल ईस्ट में अब चीजें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है? देखिए, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी हो चुके ईरान के अटैक के बाद। लगातार अब ये बात कही जा रही है कि सीधे तौर पर अब अमेरिका का प्रेशर भी इसराइल पर नहीं चल रहा। अमेरिका और इसराइल के बीच में एक कॉन्फिडेंस गैप आ गया था, जिसको ये कहा जा रहा था कि अमेरिका खुश नहीं है सीरिया के अटैक को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका भले ही खुश ना हो लेकिन अब G7 देशों के साथ लगातार बातचीत करके इसराइल का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, वॉर कैबिनेट में क्या डिसाइड किया गया है, और इसके अलावा जो पुख्ता कदम उठाने हैं ऑन ग्राउंड पर, यानी जो मैकेनिज्म तैयार करना है डिफेंस सिस्टम को लेकर, वो इसराइल के लिए तैयार करेगा अमेरिका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 घंटे का वक्त वॉर कैबिनेट ने IDF को दे दिया है कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों को देना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इजराइल के दो सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स ने एक बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हम ब्रेकिंग बता रहे हैं, लेकिन उससे और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लेबनान पर, इजराइल का बड़ा हमला। लेबनान जहां से लगातार हिजबुल्लाह बना हुआ है इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल, लेबनान पर इसराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं, ये इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है। बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। एक और बड़ी खबर, बाइडेन ने ईरान के हमले की निंदा की है। बाइडेन ने कहा हम इसराइल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इससे पहले ये खबरें आई थी कि अमेरिका की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इसराइल को रोका जा सके ईरान पर हमले के लिए, लेकिन जो बाइडेन ने अपनी प्रतिबद्धता का एक बार फिर इजहार किया है इसराइल के लिए। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, बाइडेन का क्या रोल होगा। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है, सुमित चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उससे पहले एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि लगातार बड़ी अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं। अमान में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल, जॉर्डन की एयरफोर्स ने ये मिसाइल मार गिराई है। मिसाइल गिरने से दहशत में आए लोग, जॉर्डन की एयरफोर्स ने हालांकि इस मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल गिरने के बाद इस पूरे इलाके में दहशत है। तो जिस बात का हम थोड़ी देर पहले अभी जिक्र कर रहे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की चपेट में आ सकता है, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अब जंगी चिंगारियां साफ तौर पर सुलगती नजर आ रही है। एक डिटेल हमारे दर्शकों को देना बहुत जरूरी है, दो सीनियर इजरायली डिफेंस ऑफिसर्स ने कहा है, और ये आप नंबर्स काउंट करिएगा, 185 वन वे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ इस अटैक में, 110 110 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ इस हमले में, 36 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। ये सारे मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। आप कल्पना करिए कि ईरान ने कितना बड़ा ये कारपेट बॉम्बिंग किया है। समीर, बैक टू यू। जी, और मनीष, इसी पर मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रहा था कि अमेरिका का रोल यहां पर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिका एक तरफ प्रतिबद्धता का इजहार भी कर रहा है, दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि इसराइल को रोका जा रहा है कि फिलहाल ईरान से बदला ना लिया जाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू दरअसल ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस वक्त अगर इसराइल की मदद नहीं की जाएगी तो फिर इसराइल को बचाना मुश्किल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसराइल के हाँ में हाँ मिलाया गया तो फिर ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने देखा है कि किस तरह से 7 अक्टूबर के हमले के बाद से लगातार प्रेसिडेंट बाइडेन या फिर अमेरिकी सरकार के दबाव के बावजूद इसराइल रुका नहीं, उसने गाजा पर हमला जारी रखा, समझाने बुझाने के बाद भी जारी रखा, और अमेरिका का मानना है कि इसी वजह से आज ये नौबत आई है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। लेकिन क्या नेतन्याहू रुकेंगे? हरगिज नहीं रुकेंगे, क्योंकि नेतन्याहू को पता है रुकने का मतलब है उनका खत्म हो जाना।